विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। पुण्यवंत, परमात्मा महावीर स्वामी जी ने जो भी अपने जीवन के अंदर एक दिन की दो देशना, और इस मुताबिक अगर हम काउंटिंग करें, टोटल करें, तो लगभग 29.5 साल भगवान ने प्रतिदिन दो बार देशना फरमाई है, सुबह का पहला प्रहर और शाम का चौथा प्रहर। अप्रोक्सीमेटली भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन काल के अंदर केवलन होने के पश्चात जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त किया, तब तक परमात्मा महावीर स्वामी जी की कुल मिलाकर लगभग 22,000 जितनी देशना हुई है, 22,000 भगवान ने देशना फरमाई। और इन सभी देशना का अगर कोई सार हो, इन प्रवचनों का कोई सार हो, इसका अगर कोई क्रीम हो, कोई एकदम पर्याप्त हो, वो एक ही है, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। जिंदगी में अगर आपको सुखी बनना है, अगर आपको संस्कारी बनना है, अगर आपको समृद्ध बनना है, अगर आपको अगर सद्गति प्राप्त करना है, अगर जीवन में उत्थान करना है, इसके लिए आपको परोपकार करते रहना चाहिए, नहीं कि स्वार्थ विवश होकर आप नित रह कर्म बंद करते हो उन अशुभ कर्म के कारण ही। और क्या होता है, पापाय पर पीड़नम, दूसरों को दुख देना, वेदना देना, तकलीफ देना, अपनी हुकूमत चलाना, दूसरों की हाय लेना, ये सब आपके जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। नहीं, हमें कहाँ बर्बाद अपने आप को कर रहे हैं, हमको तो आबाद होना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें सभी को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए जब जब भी आपको मौका मिले ना, तो मौका मिले तो उस मौके का सही इस्तेमाल करना सीखो। मौके पर चौका बोलते तो बहुत बार है, लेकिन हम इस मौके पर चौका लगाते हैं अपना अपना अपमान या अपना एक इंसल्ट या जो भी अपनी एक वैर की परंपरा को, या अपने जो भी जो ग्रंथि हमारे दिमाग में बैठी हुई है, और उस ग्रंथि से लेकर और हम दूसरों को बदनाम करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए हम मौके का इंतजार करते हैं, दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा करने के लिए हम हमेशा इस मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन नहीं, ये गलत है, हमें गलत से सही मार्ग पर आना है। कितना गलत क्या हो रहा है, हमने किनको आदर्श रूप माना है, हमारे आइकॉन कौन वगैरह, हमने पिछले 3 प्रवचन में वही सुना है और बहुत कुछ मैं बोल चुका हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो प्रवचन का जो माध्यम है, ये प्रवचन का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं, मेरा फ्रस्ट्रेशन, जो मेरे दिमाग के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो हलचल चल रही है, तो मैं तो प्रवचन के माध्यम से मेरा मन खाली कर रहा हूँ, मेरा हृदय खाली कर रहा हूँ। जो मेरे मन के विचार है, इन विचारों को आप तक पहुंचाकर और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को शांत कर रहा हूं। लेकिन मुझे चिंता होती है कि आप क्या करते होगे, क्योंकि ये सब फ्रस्ट्रेशन तो हर एक की लाइफ में आता है। आप भी दुनिया में हर रोज आप कितना कुछ देखते हो, रोज आप पेपर में पढ़ते हो, रोज आप व्हाट्सएप पर आप देखते हो, रोज सोशल मीडिया के अंदर आप रोज हर जगह पर, आप टीवी हो या फिर आपका मोबाइल हो या न्यूज़पेपर हो या प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह पर आप तबाही के ही समाचार पढ़ते हैं। और अब तो इंसान इतना यूज्ड टू हो चुका है कि अब उसको अगर ये समाचार अगर वो अखबार में नहीं पढ़े, व्हाट्सएप पर नहीं अगर पढ़े, तो वो बेचैन हो जाता है, उसको खाना नहीं भाता है, उसका नाश्ता नहीं होता है। सुबह सुबह लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हेडलाइन में होता है आज 12 जन एक्सीडेंट में, एक साथ में परिवार के 12 जन की मौत हुई, अंदर का पन्ना खोला, आज इस 8 साल की बच्ची के ऊपर रेप हुआ, कभी और अंदर का पन्ना खोला, आज एक बुजुर्ग ने आज आत्महत्या कर ली, कभी डकैती, कभी चोरी, कभी लूटपाट, कभी मर्डर, कुछ ना कुछ अनब शनब सब आप पढ़ते ही रहते हैं। और ये नेगेटिव पढ़ पढ़कर, देख देख कर, और आपके माइंड के विचार भी नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये सब पढ़ पढ़कर, अच्छा दूसरी बात, ये सब पढ़ने के बाद भी सच बोलना, अपने इस हाथ को अपने दिल के ऊपर, कलेजे के ऊपर रख कर बोलना, क्या फर्क पड़ा आपको,
ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या फर्क पड़ा आपको? मेरा एक सवाल है आप सभी से, सभी श्रोताओं से मेरा एक सवाल है कि कितने लोग मरेंगे तो आपके आंख में आंसू आएंगे? कितने लोग मरेंगे? तो एक इंसान की आज मौत हुई एक्सीडेंट में, क्या आपको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। चलो एक पूरा परिवार, 12 जन का पूरा परिवार खत्म हो गया, आपको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। कि अगर समझो कि एक बस जा रही थी, उसमें सब छोटे छोटे बच्चे थे और वो पूरी स्कूल बस और वो अचानक ट्रिप पे गई थी पिकनिक के लिए, और अचानक वो बस और एक वैली के अंदर, खाई के अंदर गिर गई और 50 बच्चे मर गए, क्या आपके आंख में आंसू आते हैं? नहीं। अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, आमने सामने जो ट्रेन और एक ही पटरी के ऊपर आ गई और दोनों ट्रेन इतनी भयंकर दुर्घटना हुई कि जिसमें कम से कम 500-700 लोग मर गए, और ऐसे समाचार आप पढ़ते हैं या देखते हैं, तो भी क्या आपके आंख में आंसू आते हैं? क्या नहीं आते? प्लेन क्रैश हुआ, 1000 लोग मर गए, आंख में आंसू? नहीं। कभी कहीं अगर जैसे कच्छ में धरतीकंप हुआ था, किल्लारी में, यहाँ पर लातूर में धरतीकंप हुआ था, हजारों की संख्या में लोग मर गए, 50,000 लाख लोग मर गए, और ये समाचार भी अगर आपके सामने आए तो भी क्या आपके आंख में आंसू आते? नहीं। अरे अगर सुनामी जैसी भयंकर अगर आपदा आ गई और इस सुनामी के अंदर लाखों लोग मर गए, और ऐसा सुनने के बाद भी क्या आपके आंख में आंसू आते हैं? क्या नहीं। लाख लाख लोग भी एक साथ में अगर मर जाए ना, तो भी हमें, आपको, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, दुख तो होता है, तकलीफ भी होती है। क्या तकलीफ होती है? क्या उस दिन हमने चाय पीना बंद कर दिया? क्या उस दिन हमने अगर भोजन खाना बंद कर दिया? क्या हमने उस दिन एक दिन के लिए उपवास किया? अरे यार इतने सारे लोग मर गए और मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, मैं कैसे मिठाई खा सकता हूँ, मैं कैसे चाय पी सकता हूँ? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पेट का पानी तक नहीं हिलता है, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए। कोरोना में इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे, तो हम यूज्ड टू हो गए, रोज यही सुन सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क कब पड़ता है? जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, और वो अगर उसका अगर वियोग होता है, उसे कुछ हो जाता है, तब फिर हमारे आंख में आंसू आने की संभावना है। गारंटी नहीं है, संभावना है। हम इतने निष्ठुर बन चुके हैं, हम संवेदनहीन बन चुके हैं कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इसीलिए तो इसी स्वार्थ भावना की वजह से ही जैसे रोज कीड़े मकोड़े जन्मते और मरते, हम भी जन्म लेकर मर जाएंगे। कोई हमारा कोई इतिहास लिखा नहीं जाएगा। हमने भी एक जिंदगी, भगवान ने हमें जीवन दिया और जिया, हम जिया और जीकर मर गए। किया क्या? कुछ नहीं। जिंदगी में किया क्या? कुछ नहीं। कौन हमारा इतिहास लिखेगा? कौन हमें सैल्यूट करेगा? कौन हमारे नाम के गीत गाएगा? कौन हमारे नाम की कव्वाली गाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नहीं है। वो एक मुझे कहानी याद आती है जापान की। जापान का राजा था मिकाडो, और इस मिकाडो के पास अपने बाप दादा से, पूर्वजों की ओर से, उसे एक बहुत इतनी खूबसूरत, वो एक 25 जितनी फूलदानी उसे मिली हुई थी, और इतनी खूबसूरत नक्शी काम उसमें किया हुआ था, और वो करोड़ों रुपए की वो फूलदानी थी, इतनी महंगी थी, उस पर बहुत सारा वर्क था, आर्ट था, और उस पर सोने का भी कार्य काम किया हुआ था, और इतनी जबरदस्त उसमें डायमंड्स जड़े हुए थे, ऐसी वो फूलदानी थी, बड़ी सुंदर, मोहक, मनमोहक और सुंदर आकृति वाली वो फूलदानी थी। और राजा को उस फूलदानी के ऊपर इतना ममत्व था, इतना मोह था, कि उस पर इतनी भी धूल रचकन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरी फूलदानी एकदम चकाचक रहनी चाहिए, इतनी भी धूल उसको चिपकने नहीं चाहिए। और इसलिए उसने सेवकों को रखा था, और इस तरह से रोज सिलसिला चल रहा था। एक दिन अचानक वो धूल झटकते झटकते एक सेवक के हाथ से गलती हो गई, और अचानक वो फूलदानी हाथ में से छूट गई, और तलाड़ कर वो फूलदानी टूट गई। जैसे फूलदानी टूटी, राजा को समाचार मिला कि वो 25 में से एक फूलदानी टूट चुकी है। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। राजा ने उस सेवक को बुलाया, ये क्या किया तूने? राजा का गुस्सा साथ में आसमान पर, ये क्या किया तूने? मेरी फूलदानी तूने तोड़ दी, तुझे पता नहीं कि मुझे कितनी प्रिय है, अब भुगत ले तू इसकी सजा। और राजा ने गुस्से में उस सेवक को सजा दे दी, सजाए मौत।
कि जो भी मेरी फूलदानी तोड़ेगा उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी, और उसको फांसी के ऊपर चढ़ा भी दिया और वो बेचारा सेवक मर भी गया, उसको फांसी की सजा दी गई। अब राजा ने वापस दूसरे सेवक को नियुक्त किया, अब तुझे इस फूलदानी को संभालना है। वो बेचारा इतना घबरा रहा था कि अगर मेरे से भी अगर गलती हो गई, ये टूट गई तो, क्योंकि देखो ये कांच की चीज है भैया, तो कांच की कभी ना कभी तो हर चीज टूटना फूटना ये सब तो ये पुद्गल है, और पुद्गल में आप इतनी आसक्ति क्यों रखते हो? टूटनारू टूटे, फूटनारू फूटे, खुटनारू खूटे, तो मत तू सुकाम माथा कूटे। लेकिन हमारी तो यही चल रहा है कि हम पूरे दिन ये टूटा ये फूटा, आपको गुस्सा आ जाता है बार बार। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये तो पुद्गल एक सड़न पड़न विध्वंस, इसका तो स्वभाव ही है। कोई भी चीज शाश्वत, आत्मा के सिवाय कोई चीज शाश्वत है ही नहीं, ना ये घर ना मकान ना गाड़ी ना बंगला, कुछ भी तो शाश्वत नहीं है। आपके घर में जितने भी चीजें हैं एक दिन सबका विनाश निश्चित है, यहां तक कि शरीर का भी तो विनाश है, तो किस लिए इतना ममत्व करना है? लेकिन देखो यहाँ पर राजा का तो राजा बड़ा आसक्त था, उसने उस सेवक को फांसी के सजा, दूसरा सेवक कुछ दिन बीते ना बीते उसके हाथ से भी एक फूलदानी टूट गई, उसको भी फांसी की सजा, वापस तीसरे सेवक को कोई आने को तैयार नहीं है। राजा ने कहा कि मैं उसे 1,00,000 सोना मोर दूंगा जो मेरी फूलदानी को संभालेगा। तो कैसे भी करके एक तैयार हुआ, एक लड़का तैयार हुआ कि नहीं इस फूलदानी को मैं बराबर संभालूंगा, और दो जन को फांसी की सजा दी, तो उससे भी गलती हो गई तो राजा ने उसको भी फांसी की सजा दे दी। तीन तीन जन को फांसी की सजा सिर्फ फूलदानी के कारण। फिर वापस राजा ने कहा कि नहीं, मुझे इस फूलदानी की संभालने वाले, इस फूलदानी को की रक्षा करने के लिए, इसकी सार संभाल करने के लिए मुझे एक अच्छा हट्टा कट्टा, मुझे एक युवा चाहिए, और मैं उसको एक नहीं मैं उसको 2,00,000 सोना मोर देने को तैयार हूं। और एक युवा सिर्फ 18 साल का एक युवा तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, इन फूलदानी को मैं संभालूंगा। और वो आया राजा को कहा, महाराज आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप कोई चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं, मैं बराबर इसका ख्याल रखूंगा, एक भी फूलदानी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो उसने कहा इतने के राजा, महाराज एक बताइए कि फूलदानी है कहाँ और कैसे इसको संभालना है। तो राजा खुद वहां पर आता है, भाई तीन तो टूट चुकी है, 25 में से 22 तो बची है, भाई इसको बराबर ध्यान रखना तू, ठीक है कहाँ है फूलदानी? राजा ने कहा देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 फूलदानी है, इसको बराबर तुझे संभालना है। राजा खड़ा है, राजा के सभी सेवक वहां पर खड़े है, और उतने में उस युवान ने हाथ में लकड़ी ली, उसके हाथ में जो लकड़ी थी उस लकड़ी ली, और लकड़ी उठा कर राजा कुछ सोचे उसके पहले तर 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 सब एक साथ में 22 के 22 फूलदानी को चकचूर कर दिया, तोड़ दिया उसको, चूर चूर कर दिया। और जैसे एक साथ में 22 को तर 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 एक ही झटके में तोड़ दिया उस युवा ने, तो राजा को गुस्सा तो अभी आप समझ सकते कि एक फूलदानी में साथ में आसमान में तो अभी 22 फूलदानी एक साथ में टूटी तो क्या हालत हुई रहेगी। और राजा का गुस्सा साथ में आसमान पे भयंकर में भयंकर रोष, और कहा कि इसको इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कि इसने मेरी फूलदानी तोड़ी है, मेरी फूलदानी के टुकड़े टुकड़े, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, राय जितने टुकड़े कर दो। राजा ने आज्ञा तो दे दी, और वो युवा हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है। बोलो क्यों हंसता होगा बताइए मुझे? वो एक युवा सामने जब राजा ने सजाए मौत फरमाई है और राय जितने टुकड़े टुकड़े करने की आज्ञा दी है, और तो भी वो युवा हंस रहा है, वो बड़ा खुश है, वो नाचने लगा कि चलो जिंदगी में मैंने एक काम तो अच्छा किया। राजा सोच रहे पागल है ये, कि जबकि यहां पर अब उसको मैंने सजाए मौत सुनाई है और तो भी ये युवा नाच रहा है, ये तो गा रहा है, ये झूम रहा है, ये खुश है, ये प्रसन्न है, इसकी वजह क्या? ये पागल तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसा। तो और राजा ने उसको पूछा भाई तू क्यों इतना खुश है, क्या तुझे कोई डर नहीं लग रहा है? अरे नहीं नहीं महाराज कोई डर नहीं, मैं बहुत खुश हूं बहुत खुश हूं। किस बात की खुशी है भैया, किस बात की खुशी है? बोला कुछ नहीं कि एक एक फूलदानी के पीछे आप एक एक को आप सजाए मौत सुनाते हैं, तो 22 फूलदानी एक एक गिरती जाएगी टूटते जाएगा, 22 को और फांसी पर चढ़ा देंगे, तो आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं तो ऐसे भी मुझे मरना ही है, लेकिन मरने से पहले मैंने 21 जन की जिंदगी मैंने बचा ली, 21 जन को मैंने नया जीवन दिया, 21 जन को मौत के मुंह से मैंने बचाया, और इसी बात की मुझे खुशी है। इसीलिए तो अंग्रेजी में लिखा है टू सेव द वर्ल्ड
यू हैव टू सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको दुनिया को बचाना है तो आपको अपने आप को आपको उसमें झकझोरना होगा। अगर दुनिया को बचाने अगर निकले हैं तो खुद का मत सोचो, दूसरों का सोचो। जो हमारे संसारी पिता श्री अशोक भाई, मैं आज उनका स्मरण करना चाहता हूं कि हमारे संसारी पिताजी अशोक भाई के जो जबरदस्त शिवदया के प्रेमी थे, और ऐसे हमारे पूज्य पिताश्री जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं जिनका नाम था अशोक, कभी शोक नहीं करना, उनके पास जो भी आता था उनके सभी के शोक दूर करते थे। और ऐसे वो अशोक जो अशोक वृक्ष होता है भगवान का, और ऐसे उसी के नाम से अशोक भाई जो जीवदया के जबरदस्त प्रेमी थे, जो अनुकंपा यानी कि गरीबों की सेवा करते थे, एक रुपए में ऐसे 300 लोगों को, 300 गरीबों को झुनका भाकरी केंद्र यानी कि जो यहाँ पर महाराष्ट्र में चलता है वैसे, एक रुपए के अंदर उनको पेट भरकर भोजन कराते थे। और ऐसे साधन की भक्ति कहो, जीवदया कहो, अनुकंपा कहो, 1 अक्टूबर के दिन पूज्य पिता श्री अशोक भाई जो आज हमारे बीच में भले देह से नहीं लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं, और वो आज उनका जन्मदिन आ रहा है, वो इतना बड़ा महान दिन है। 1 अक्टूबर भी है, पूनम का दिन भी है, गुरुवार का दिन भी है, और मैं चाहता हूं कि उस दिन से हम भी कुछ ऐसा नक्कर काम करने। आज तक हमने सिर्फ बातें की, हम बोले आप सुनते गए, लेकिन अब वो समय आ चुका है, पक चुका है, क्योंकि आप सभी ने मेरे विचारों को अपने सुन सुनकर आप परिपक्व हो चुके हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं 1 अक्टूबर से हम एक वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन चालू करना चाहते हैं। जैसे हमारी पालीतना की एक हेल्पलाइन चल रही है, वो पालीतना जीव दया हेल्पलाइन, आजू बाजू के 30 गांवों, पालीतना के आसपास के सभी गांव में कोई भी पशु अगर लावारिस, भूखा, प्यासा, अगर वो बीमार है तो उसकी जिम्मेदारी, अगर हमारे हेल्पलाइन के ऊपर फोन आता है वो जिम्मेदारी हमारी रहती है। वैसे पूरी दुनिया में रहा वो हमारा जैन और उसे कोई भी तकलीफ हो, हम फर्स्ट स्टेप में हम वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन चालू कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे करते करते हम जैन के बाद जन जन तक जाएंगे। लेकिन हमारा जो 1 करोड़ जैन कहीं पर भी अगर वो दुखी है तो उसको दुख मुक्त करने के लिए हम सभी को इस हेल्पलाइन के लिए हमको तैयार होना है। इस पूरे हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारी आपको कल के प्रवचन में दी जाएगी, इसलिए कल आप सभी को बता देना। कल का प्रवचन बहुत अगत्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है, और इसीलिए कल आप सभी को उपस्थित रहना है। आप सब जरूर जरूर सुनिएगा कि ये वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन क्या हो सकती है। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतक पीर सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महा अनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।